देखो रात होने वाली थी, मैं बहुत डर गया था और ज़ॉम्बीज आने वाले थे, और मैं बस भगवान से कृपा कर रहा था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और मेरा माइनक्राफ्ट कल पूरा रियलिस्टिक बन जाए, और यही सोचते सोचते मैं सो गया। लेकिन जब मैं सुबह उठा और सुबह उठते ही भगवान ने मेरी सुन ली थी और मैं पूरी तरीके से रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुका था। भगवान ने मेरी सुन ली थी और ये देखो मेरा हाथ कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, और इसके हाथ में कड़ा भी है, अंगूठी भी है, अच्छा बंदा लगता है। तो भगवान ने मेरी सारी इच्छा पूरी कर ली, अभी इनसे मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ। तुमको भी लेना चाहिए रोज सुबह उठ के, इससे हमें शक्ति मिलती है। चलो अभी मेरे हाउस को एक्सप्लोर करता हूँ, ये भी रियलिस्टिक बन चुका है, और इस घर के अंदर किचन है, टॉयलेट है, कितना ज़्यादा रियलिस्टिक बन चुका है। और यहाँ पे टीवी चल रही है और टीवी के अंदर चल रहा है रोमियो जूलियट। इतना बड़ा हो गया तू, रोमियो जूलियट देखेगा, मुझे मारता है साले, दू क्या टपली तेरे को पॉलिश डालूंगा। अरे सच में मर गया क्या? अरे ओवर एक्टिंग बंद कर रहे, हो गया। चलो अभी हमको बहुत काम करना है। एक मिनट, ये क्या है? गोल्डन ओवर, ये किसका गिरा है? मैं उठा लूंगा इसको। आयला सच में गोल्डन ओवर है, लेकिन हमको किसी के साथ चोरी नहीं करनी चाहिए। बात तो सही है, लेकिन ये यहाँ पे एकटा रहेगा तो बेचारा डर जाएगा। एक काम करता हूँ, सीधा तोड़ डालता हूँ, ना रहेगा बास ना बचेगी बांसुरी। वाह, मुझे तो शायर होना चाहिए था यार। अबे साले, कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया यार मैंने इसको, सीधा टूट गया बेचारा। लेकिन यार छोड़ो, हमको तो गोल्ड से मतलब था जो हमको मिल चुका है। चलो अभी फटाफट एक पिकेक्स बना दे, उसके लिए हमको क्राफ्टिंग टेबल लगेगा, और उतने पैसे है नहीं मेरे पास, अभी मैं उसको खरीद नहीं सकता। तो क्या हुआ, हम उसको बना तो सकते हैं? ये तो मार्कर लगेगा, वो विलेजर्स के बच्चे, इधर पे मार्कर को फेंक। तो ऐसा बनेगा हमारा क्राफ्टिंग टेबल। अरे खींचा जा रहा है, अरे पकड़ना है इसको। अरे उसे कभी पकड़ते है क्या? हाथ से पकड़ना ठीक से, अरे नीचे रख के पकड़ना उसको। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है? पिंकी पिंकी पोंकी, फादर हैज द डोंकी, डोंकी दई फादर लई फुटाना लई। देखो यार मैं गेमर हूँ, सिंगर नहीं, मुझे गाना नहीं आता, सीधी बात है। राफ्टिंग टेबल तो बन गया हमारा, लेकिन कुछ कमी लग रही है, तो आई थिंक कुछ इस तरह से करना चाहिए, और थोड़ा और ज्यादा, और एक स्माइल प्यारी सी। इसी बात पे तुम लोग भी लाइक कर दो। देखो यार गोल्ड का बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, इसलिए मैं आयरन ओर से रखूंगा। इस खेल से भी हम पिकेक्स बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, और थोड़ा ओड़ का भी जुगाड़ हो नहीं सका था। कोई बात नहीं, मार्कर है ना, ये कब काम आएगा, इसको रख देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा, तुमको पता चला नहीं ना। और बोलो मेरे साथ, बाबा मिल्लू राम की जय हो। औकात मेरे, अरे सच में बन गया, देखा मेरा पिकेक्स, वो भी गोल्ड का पिकेक्स, और ये पुष्टे का बिल्कुल नहीं है, ये गोल्ड का पिकेक्स है, सच में मैं लाया था। अरे इसको माइन करके देखूं क्या, शायद कुछ निकल जाए। अरे इसकी खोपड़ी तो खाली है। और तभी मैंने देखा एक आदमी यहाँ से जा रहा था, और उसके हाथ से मैं गिर गया, हाँ गिरा ही था। अरे जाइन आजम पुड़े, ये कोई बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं है, मैं स्क्रिप्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन ये है क्या, चलो देखते। ओ ये तो मैप है, शायद इसके अंदर ट्रेजर है, चलो इसको फाइंड करते हैं, और आज का मिशन हमारा यही होगा, ट्रेजर को फाइंड करना। और ये मैप हमको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, इसका मतलब छत के ऊपर कुछ तो रखा है, वहीं पे जाना पड़ेगा पानी के टाके के पास। तो चलो निकलते हैं मिशन पे, और मैं बिल्कुल सही सही जा रहा हूँ, देखो मुझे रास्ता पता है, ठीक है। अरे इस डोर को देखो कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, इसको खोलने में, ओ कितना ज्यादा रियलिस्टिक है सच में। वैसे मैं कुछ ज्यादा एक्टिंग कर रहा हूँ ना, बट छोड़ो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा क्यूट हूँ ना इसके वजह से। हम छत के ऊपर तो आ गए, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे हो सकता है? एक काम करता हूँ, फिर से चेक करके देखता हूँ, शायद मुझे ठीक से पता चल जाए, इस बार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों पता है ना। देखो हम यहाँ पे थे, और मैं यहाँ से आ रहा था, और ट्रेजर को छत के ऊपर छुपाया, मतलब टाके के पास, तो यही पे होना चाहिए, और मुझे पता चल गया आई थिंक। कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है? ओ चेस्ट, शायद इसके अंदर कुछ निकल जाए, और चलो खोल के चेक करते हैं। अरे खुल जाना, एक हाथ से मोबाइल पकड़, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे क्या इसके अंदर, बाप रे,
चलो उसके मैंने ले लिया और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन एक मिनट, ये आवाज किसकी आ रही है? ओ ओ ओ एंडल ड्रैगन। अरे कहीं मुझे मार ना डाले। एक काम करता हूँ, चुपके से यहाँ से निकल जाता हूँ, शायद बच जाऊंगा। चलो चलो चलो, भागो 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 भागो, निकलो यहाँ से। और पता है गाइस उस चेस्ट के अंदर क्या था? आप लोगों का प्यार। आज मेरे 8K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। ये बिल्कुल भी इजी नहीं था मेरे लिए। मैंने बहुत सालों तक मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और 8K मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है, मतलब बहुत ही बड़ा। मैं इस वीडियो को प्लान कर रहा था, इसकी वजह से वीडियो डिले हो गई। थैंक यू गाइज, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैंने आपके लिए छोटा सा वीडियो प्लान किया था। कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद होगी। पसंद होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए। बाय बाय।